सालों से मीडिया हमें सेलिब्रिटीज की स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरीज बेच रही है। हर बकवास टॉपिक को सुंदर सी स्क्रिप्ट से सजाया जाता है, विजुअल इफेक्ट्स और म्यूजिक के साथ परोसा जाता है, जिसके स्वाद का ऑडियंस भी चटकारे लेकर मजा लेती है। ये बेचने वाले की गलती है या खरीदने वाले का नुकसान, इसकी चिंता किसको है? अब एल्विश यादव हो या लप्पू से सचिन वाली आंटी को ही ले लो, इनकी सारी डिटेल्स हमें प्राइम टाइम में मिल जाती हैं। पर वहीं एक 46 साल के सिंपल से बाबा हैं, जो पिछले 30 से भी ज्यादा सालों से कई एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, पर उनके बारे में कोई भी मीडिया चैनल या न्यूज़पेपर नहीं बताएगा, क्योंकि इस कहानी से उनको टीआरपी नहीं मिलेगी और क्योंकि इस बाबा ने मार्केटिंग कर अपना एक ऑरा नहीं बनाया और ना ही अपने पीछे कोई पलटन लगाई है। अब मैं गया यहाँ से मोटरसाइकिल लेके, और मैंने वहाँ मालूम करी कि एक बुढ़िया रहे हैं यहाँ, तो बताई लोगों ने कहाँ रह रही है। मैं बोला मैंने कि तुम्हारा इलाज करवा दूँ मैं, कि कौन है तू? मैंने कि मैं रामवीर बाबा हूँ, आश्रम में रहूँ, ऐसे ऐसे झटपड़ा पे। मैंने कि माता जी तुम मेरे संग चलो, मतलब इकट्ठे डॉक्टर आवे दिल्ली से, तो वे ऑपरेशन करें बृहस्पति को। अब मो जाने हैं, तो मैंने कही एक मरीज है डॉक्टर साहब मेरा, वे बोले बाबा आज ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने कि ऑपरेशन ना करवा रहा हूँ मैं, ये देख लियो मतलब आँख में लाइट आ जाएगी या ना आवे, ये तो देख सको ही हो। तो बोले एक की तो नस सूख गई है आँख की, या में लाइट नहीं आवेगी, एक आँख में लाइट आ जाएगी। मैंने कही तो चलो एक में ही आ जाए, मगर एक आँख ऐसी बना दो जो बेचारी ये माता जी जो अपना घूम फिरे करें, दिक्कत ना हो। उनके टेस्ट करवाए तो शुगर उगर ही, शुगर के मरीज की आँख नहीं बनावे, फिर शुगर का इलाज करवाओ, जब आँख बनवाई उनकी। काम ज़्यादा रहे हैं और अब आदमी को होना। रामवीर बाबा का हर दिन सुबह 3 बजे ही शुरू हो जाता है। उठते ही वो पूजा की तैयारी करते हैं, नहाते हैं और फिर हवन पर बैठ जाते हैं। बाबा वैसे तो पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही उन्हें मंत्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर जिस भाव से वो हवन करते हैं वो किसी भी ज्ञानी पंडित से कम नहीं। माँ की कृपा है मेरे ऊपर, दुर्गे माँ की कृपा है, वाई से चल रहा हूँ। और दिन में मैं सो भी जाऊँ शायद, जैसे सो जाऊँगा ना थकान हो जा, आराम के लिए बैठ जाऊँगा, लेट जाऊँगा, मगर सो ना हूँ मैं, थोड़ी बहुत देर आराम करके फिर जो काम शुरू कर दूँ अपना जो भी हो रहा हो, तो सब चल रही है अभी। जहां हम जैसी नई पीढ़ी को 25-30 साल में ही घुटनों और कमर की दर्द की शिकायत रहती है, वहीं बाबा आश्रम की सारी बागडोर अकेले ही संभालते हैं। खेती करने से लेकर ऑटो चलाने तक, बर्तन धोने से लेकर जीवों के लिए खाना तैयार करने तक, बाबा आत्मनिर्भर की डेफिनेशन है। मेरा नाम बाबा रामदेव कह रहे हैं, और मैं ज़्यादा तो मैं खेती वेती का ही काम कराऊँ। मेरा गांव जटपुरा है, जटपुरा मुकीमपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। परिवार में 2 लड़का हैं, 2 लड़की, वे सब अपने काम चला रहे हैं, शादीशुदा हैं, सब बाल बच्चेदार हैं। बाबा के हाथों में पैशन का कोई टैटू नहीं है, ना ही उन्होंने अपनी बायो में खुद को एनिमल लवर का टैग दिया है, पर ये हफ्ते में 4-5 दिन बंदरों और अलग अलग जीवों को खाना खिलाने जाते हैं। नेचर और ह्यूमैनिटी के लिए उनका पैशन उनके कामों से साफ झलकता है। और कैरेट कितने की चल रही है? ना कोई बात ना, तो चलो और है मेरे जानते हैं। दूसरा मैं बंदरन के लिए जो बंदर अमंत का देवी पे, वहाँ बंदर भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए भैया मैं खाने की व्यवस्था करूँ, मैं जैसे भी बन जा। पहले तो मैं मंडी से खरीदूँ, मंडी में जैसे मंडे सामान हो जा ना, कोई भी खीरा है, कभी सेब सस्ता मिलने लगे, कभी केला सस्ता मिल जा, तो ऐसे सामान फिर 3-4 कुंटल से कम ना ले जाऊँ मैं। अब जब ये चीज़ महंगी हो है, तो गेहूँ हैं, चने हैं, वो भिगो के ले जाऊँ मैं।
इस भागती दुनिया में हम सभी पैसे बटोरने में लगे हैं। दो तीन इनकम के सोर्सेस के बाद भी हम सभी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर अपने पैसों को बढ़ता देखना चाहते हैं। पर रामवीर बाबा अपनी मेहनत से की हुई खेती से मिलने वाले सारे पैसे इस आश्रम और जीवों की सेवा में लगा देते हैं। पहले तो शुरू में तो मैंने नौकरी भी करी ही मिलिट्री में। सन 61 में भर्ती हो गया मैं मिलिट्री में। कुछ दिन करी फिर छोड़ दी मैंने। फिर यहाँ आ गया। फिर मैंने दूसरी जगह नौकरी करी हिंदुस्तान लीवर में, वहाँ में भी छोड़ दी। फिर मैंने दूध का काम करा। दूध का काम बढ़िया चलता रहा। बढ़िया दूध खरीदना, बढ़िया बेचना, ईमानदारी का व्यवहार मेरा शुरू से ही मतलब रहा हो, हेरा फेरी को ना रहा। तो दूध में भी एक आदमी साजी है तो, और लड़का बड़ा वाला वो जवान हो गया तो उन्होंने फिर हेरा फेरी करनी शुरू करी। दूध में मिलावट इलावट करके दूध बनाना मैंने करी, मैंने वे माने ना, तो मैंने जब ही छोड़ दिया सब काम। सन 90 में मैंने कि भैया तुम भुगतोगे जो भी करोगे, मैं जिम्मेदार ना हूँ। तो वे तो दूध में लगे रहे, मिलावट दूध बना के बेचा उन्होंने। और भैया मैं तो इधर को निकल के और खेती जो ज़मीन ही हम पे वो कुछ और लगान पर ले लूँ मैं, तो उसे जो वो करता रहा बराबर बाईस ये सब व्यवस्था जो वो चल रही है। मैंने तो छोड़ दिया, गुरु जी यहाँ कुटी में रह गए, इनके साथ ही कुटी में रह गया मैं। तो गुरु जी हमारे सिद्ध पुरुष हैं, लोग आवे यहाँ बहुत, रात को रुके करे। तो यहाँ ट्यूबवेल और वहाँ छप्पड़ गेट रखा हुआ हमने। अब वहाँ में रात को ठंड में जो मतलब बहुत कम आदमी रुक पावे, तो गुरु जी की प्रेरणा हुई है कि यहाँ थोड़ी सी जगह बन जाए तो लोग रुकना शुरू कर देंगे। फिर ये इतनी ये जगह बना दी, यहाँ लोग रुकने लगे। जिस एज में यूजली लोग रिटायर होने का सोचते हैं, आराम कर थोड़ा खुद के लिए जीने का सोचते हैं, उस एज में बाबा किसी इंटर्न की एनर्जी और डेडिकेशन के साथ लोगों के लिए काम करते हैं। नई पीढ़ी जिसे पैशन कहती है, उसका मतलब ना जानते हुए भी बाबा पिछले 30 सालों से बिना किसी एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन के बस इस काम में लगे हुए हैं। बाबा की स्किल्स किसी भी सक्सेसफुल एम्प्लॉय के रेज्यूमे में मेंशन्ड स्किल से कई ज्यादा है। मैं जगह जगह जोड़ भी रहा हूँ लोगों ने, जागरूक कर रहा हूँ मैं इनकी। भैया अमंतका देवी पर बंदर भूखे हैं तो झंगीरावास से कुछ आदमी जाने शुरू हो गए और उसमें दिन बांट लिए हमने। तो उन्होंने मंगल का दिन ले रखा है, शनिवार का, इतवार का और बृहस्पतिवार का, चार दिन तो उन्होंने ले रखे और तीन दिन मेरे पास हैं, सोमवार बुध और शुक्र। तो अब मैंने अभी कुछ लोग तैयार करे जो आज हमारे साथ गए हैं, तो उन्हें मैं चंदा दे रहा हूँ मैं, जैसे वे पैसा इकट्ठा करें लोग उनसे आपस में, ऐसे ही उनसे मैंने कह दिए मैंने कि भैया मोसू भी चंदा ले लेकर आओ तुम, तो वहाँ से कुछ सामान भी खरीद दें। शुक्र में, सोमवार और बुध में मैं अपने पास से ही ले जा रहा हूँ। शुक्र में साजी हो गए, अब धीरे धीरे वे ले जाने लगेंगे तो मैं छोड़ दूँगा। जब मुझे ये दिखाई दे जाएगी कभी ये शुक्र में जान लगे तो मैं शुक्र में जाना बंद कर दूँगा। दो दिन रह जाएंगे मेरे पास। और लोगों से भी मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि कुछ सामान बचा के, अगर आदमी चार रोटी खावे और एक एक रोटी भी बचा के निकलवा के इकट्ठी करके भिजवा दे तो उनका पेट भर जाया करेगा। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो धर्म के नाम पर व्यूज बटोरते हैं और मार्केटिंग के जरिए अपनी आर्मी खड़ी कर लेते हैं, जो लाइक्स और कमेंट्स के लिए साल में दो तीन बार किसी गरीब की मदद करते हैं और फिर अपने फेसबुक में पोस्ट कर महान बन जाते हैं, यही तो है आज की जनरेशन के रियल आइडल। वही ये बाबा हैं
जिन्हें ना ही किसी कैमरे, ना किसी अवार्ड और ना ही किसी मंच की भूख है। कोई भी भूखा प्यासा आ जाए, पागल आ जाओ, सही आ जाए, जो आवेगा उसे खाना मिलेगा। यहाँ नंगा होगा कपड़ा मिलेंगे, बीमार होगा तो दवाई की व्यवस्था करी जाएगी। और यहाँ काफ़ी लोग ऐसे आ गए जिन्हें दिखाई ना दे, अंधे, उन्हें मैंने ले जा के बाहर उनके इलाज कराए, आँखन में लेंस गिरवाएं, आँख बनवाई हैं। ये सब काम बढ़िया चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जैसे वृद्ध लोग हैं, घर से भगा दें तो यहाँ रहने की व्यवस्था है उनकी। यहाँ कोई भी आ जा, कोई भी बालक हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मगर जवान है तो बतानी पड़ेगी क्या परेशानी है। कोई भी पागल है, वैसे महात्मा तो रोटी दे दें ज़्यादा। अभी मैं हूँ, मैं जाऊँ गांव में या कहीं भी जाऊँ, मैं वहाँ जाके मैं कहूँ भैया मैं तो भूखा हूँ और मुझे एक रोटी दे दो, तो एक की जगह तुम दो रोटी भी दे सको, मुझे मिल जाएगी। मगर पागल आदमी हो भी है उसको बचे है हर आदमी, पागल है रोटी ना दे सहज। इसलिए तुम महात्मा को एक बार को मत दो तो तुम ना दो ये रंगे, और आगे देगा कोई तीसरा मांगेगा जाके। मगर पागल ऐसा आदमी हो या वृद्ध ऐसा है बेचारा ना जा सके कहीं, ऐसे आदमी की मदद करो, खाने की तो ज़रूर करो। कई बार ऐसा फील होता है कि इस नेगेटिविटी से भरी सेल्फिश दुनिया में क्या अच्छाई की कोई जगह और ज़रूरत है। पर बाबा से मिलकर ऐसा लगा कि सच्चे संतों को ढूंढने के लिए हिमालय तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत ना है बिल्कुल भी। बहुत बुराई कर रहे हैं कुछ, यूँ कहे हैं कि बाबा सट्टा बता में पैसा फांसू आवे है लोगों ने, कोई यूँ कहे सीट पैसा दे के जाए यहाँ आश्रम में, या बाबा रास्ता में जा रहे हैं कहीं तो वहाँ पैसा दे हैं, ऐसा कुछ भी ना। आप आज तो आप साथ गए हो मेरे, और कोई ना कोई चले जाओ मुझे मिल जाओ जैसे, तो ऐसी कुछ ना है। मैं भगवान से लेना देना मैंने कर रखा है तो काम मैं ब्याधा ना रही, कुछ भी बढ़िया चल रहा है और कोई दिक्कत ना है। भगवान मदद कर रहे हैं मेरी और सब काम बराबर चल रहे हैं। कि मैं तो खाली बैठा हूँ, फकीर हूँ, अब सुबह से कितना खर्चा मतलब होगा सुबह से और फिर शाम तक दूर पड़ी है, खर्चा कहाँ से चलेगा। मगर ये देवता लोग ऐसे हैं कि ये मदद करें, हर तरह से मदद करें, शरीर में भी सही रखने के लिए, नहीं बीमार में भी तो पड़ सकूँ भाई। अभी अस्पताल में जा रहे हैं 50-50 हज़ार एक एक लाख रुपए दे कर आ रहे हैं डॉक्टर में, तो मैं भी तो बीमार हो सकूं, वो भी 1 लाख रुपए देने पड़ सकें। मगर ये देव जो हैं या भगवान या कोई शक्ति जो भी है, वह मालूम है अगर बाबा ने 50 हज़ार रुपए दे दिए तो ये सगरे काम बंद रह जाएंगे। रुपया तो दे देंगे 50 हज़ार रुपये कहीं से भी जैसे भी होंगे, मगर ये धर्म के जो काम चल रहे हैं ये सब बंद रह जाएंगे, इसीलिए तो सही रख रहे हैं वे। और एक संत महात्मा होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको उपनिषदों और ग्रंथों का ज्ञान हो, ज़रूरी नहीं कि आप खुद को स्पिरिचुअल बताएं और लंबी कहानियां बताएं। ज़रूरी ये है कि लाइफ के सबसे बड़े सच, मौत को समझने के बाद भी आप नेचर और उसमें रहने वाले सभी लिविंग बीइंग्स के लिए सेंसिटिव हों। ज़रूरी ये है कि जिंदगी के इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद भी आप इतने सरल हों कि कोई भी आपसे बात कर सके, आपसे मदद मांग सके और आपकी आंखों में बहने वाले सरल सागर में बह जाए। बस इतना ही आसान तो है साधु हो जाना, या फिर इतना ही कठिन? मन खुश तो भगवान को भजन करो और सेवा करो, मदद करो जो परेशान लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ना है बिल्कुल भी और वे परेशान हैं, कपड़ा ना है किसी पे तो कपड़ा दिलवाओ, ने भूखे हैं तो रोटी दिलवाओ, बीमार हैं दवाई दिलवाओ,
जब भी मन खुश रहेगा। अपना मानना तो यही है और आगे कोई ना माने तो मत मानो। इस देश और यहाँ के लोगों ने कई बाबाओं को अपने दिलों में जगह दी। कई बाबाओं की दुकानें खूब चल रही हैं, कई पर फिल्म भी बन रही हैं और कई यार जेल में भी कैद हैं। पर उन सब बाबाओं की कहानियां लोगों तक पहुंचनी जितनी जरूरी थी, उतनी ही जरूरी है रामवीर बाबा की ये कहानी, उनकी सरलता, इन कहानियों को सच बनाने की उनकी हिम्मत और जीवन जीने का उनका ये जज्बा भी लोगों तक जरूर पहुंचे। रामवीर बाबा से मिलकर हमारा सिंप्लिसिटी और ह्यूमैनिटी में विश्वास और भी ज्यादा अटल हो गया।